भाई लोगों, बीएड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। और बीएड के छात्र लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप बीएड पर कुछ बता नहीं रहे हो, कोई जानकारी नहीं दे रहे। तो भाई एक चीज़ आप ही सोचो कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे दूं छात्रों को, इससे उनका क्या भला होगा। जब तक मेरी विश्वविद्यालय अधिकारियों से बात नहीं हो जाती या फिर कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो मैं गलत खबर नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरी एक गलत खबर देने से छात्रों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर मैं आपकी कमेंट का जवाब नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब ये कि उसकी जानकारी मेरे पास ठीक से नहीं है। और जब तक मैं तफ्तीश से कोई जानकारी नहीं कर लेता, मैं छात्रों तक खबर नहीं पहुँचाता हूँ। चलिए बात करते हैं बीएड की। बीएड के मिस प्रैक्टिकल हो चुके हैं। लगातार छात्र पूछ रहे थे कि आखिर विश्वविद्यालय कब तक जो है ये एग्ज़ाम कराएगा, और क्या जिन छात्रों के री एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं और जिन छात्रों ने मिस प्रैक्टिकल दिया था, क्या उनको एक और मौका री एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा ही हुआ है और उन छात्रों को री एग्ज़ाम फॉर्म भरने का मौका विश्वविद्यालय ने दे दिया है, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे थे जो प्रैक्टिकल भी नहीं दे सके थे और एक पेपर में फेल थे, तो उनका जो है फॉर्म नहीं खुल पाया था। प्रैक्टिकल जो होता है वो उसका सिस्टम अलग है, क्योंकि वो मौखिक होता है और जो री एग्ज़ाम होता है वो लिखित होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए जो है बीएड और एलएलबी, इनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। विश्वविद्यालय ने बीए एलएलबी, एलएलबी और बीएड फर्स्ट और सेकंड वालों के लिए एक लेटर जारी किया है, जिसमें जो है ऐसे छात्र जो अभी तक अपना री एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सके हैं वो अपना री एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप स्वयं भी री एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 25/5/2023 है, यानी कि 25 मई जो है री एग्ज़ाम फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट dbru.org.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय से आप जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं और पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल से जो है विश्वविद्यालय के अधिकतर अधिकारी जुड़े हुए हैं, वो हमारी खबरों को देखते भी हैं और छात्रों की समस्याओं को हमारी खबरों के आधार पर दूर भी करते हैं। मैंने कई बार देखा है कि छात्रों ने कमेंट किया और उनकी समस्या दूर हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से जुड़ी हर एक खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लाइव एक्सेस 24 को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक खबर को जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लाइव एक्सेस के लिए हैदर अली की रिपोर्ट, आगरा।